रही है तो मेरा मन नहीं कर रहा है इसको खोलने का। ये देखो कितनी प्यारा लग रहा है, धाटू धाटू बड़ी है, इतना घटिया बच्चा। गुड इवनिंग दोस्तों, शाम के 7:45 हो रहे हैं भाई, पता ही नहीं चला टाइम का। सुबह मंदिर से आई, खाना वाना खाया और सो गए। पूरा दिन हम सोए, अभी उठे, चाय पी, थोड़ा बहुत परांठे परांठे बनाए थे भाभी जी ने, वो खाए। जो हमारे यहाँ पे ना गांव में दोपहर के खाने को दोपहर ही बोलते हैं, जैसे सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं परांठे, गांव में जो है परांठे परांठे दोपहर के टाइम में बोलते हैं और उसको दोपहर ही कहते हैं। यस, आ जाओ आ जाओ, हर्षित के पास दो इसको, हर्षु हर्षित सुनता ही नहीं है। और अभी थोड़ा सा बारिश थमी हुई है, बंद नहीं हुई है, थमी हुई है, हल्की हल्की हो रही है और इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है। हम आज पूरा दिन पहले तो सोए थे, उसके बाद न्यूज़ वगैरह देखे, मोबाइल चलाए, टीवी देखा, सिर्फ और सिर्फ यही न्यूज़ देख रहे थे कि कहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है। हिमाचल के अपर हिमाचल में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा नुकसान हुआ है, पुल ही बह गए, वहाँ तो गाड़ियाँ बह गई। तो भैया तो गए हैं घूमने और हमारा भी घूमने का प्रोग्राम बन रहा है, ताऊ जी के घर तक जाना था, ताऊ ताई से मिल के आते हैं, तो चलते हैं। सबसे पहले पानी वानी भर के रखते हैं यहाँ पे ना, नलकों में आजकल पानी नहीं आ रहा है, तो चश्मे का पानी भर के लाएंगे हम और उसके बाद जाएंगे हम घूमने। और मैंने पहना है आज धाटू, मैं धाटू पहन के बना रही थी रील, तो कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। और यहाँ पर ना ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा, ये देखिए हमने पहनी है स्वेटर। तो ग्रामीण जीवन में का भी मज़ा ही कुछ और है। ये बाल्टी भर के लाऊंगी मैं पानी की, प्योर विलेज लाइफ का भी अपना ही मज़ा है। तो चलिए फिर पानी वानी भर के लाते हैं। और बहुत तेज़ बारिश होने की वजह से थोड़ा सा ठंडा हो गया, गीला गीला रास्ता, स्लिप होने का डर रहता है। पूरा दिन ना कुछ भी नहीं किया, बस सोए हैं, टीवी देखा है, गप्पे मारी हैं, खाया पिया है और इसकी वजह से मोटे हो रहे हैं थोड़े थोड़े। तो सोच रहे हैं चलो पैदल तो क्या ही चलेंगे, गाड़ी में ही जाएंगे। तो यहाँ पे हम भरेंगे पानी, ये चश्मे का पानी है जो वहाँ से पाइप जोड़ रखा है। दोनों बाल्टियों को भर के हम अंदर ले जाएंगे, ये पीने का पानी है। तो यहाँ से दिखा देते हैं आपको, ये देखिए ग्रीनरी है, जंगली जंगल हो रखा है चारों तरफ, पेड़ पौधे हैं। घर देखो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, हमारे जो ताऊ जी का घर है वो नज़र नहीं आ रहा है, ये वाला घर भी थोड़ा सा नज़र आता है पेड़ों की वजह से। और ये रहा जी नीला आसमान, कहीं नज़र नहीं आ रहा है, पहाड़ियाँ धुली धुली सी, मौसम अभी थोड़ा सा थमा हुआ है बारिश, तो इससे पहले कि बारिश स्टार्ट हो फटाफट से ये सब करके फिर निकलते हैं हम। तो ये देखिए पानी लेकर मैं आ गई हूँ, लेकिन पानी की कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं है, जबकि ये बहुत अच्छा पानी है। हाँ नहीं, स्नेल कहाँ है छी, हाँ यहाँ पे नहीं, जगह जगह स्नेल ही स्नेल है छी, इतने बड़े बड़े हैं, और अगर पैर के नीचे आ जाए ना तो कसम से खाना खाने का जी नहीं करता, बहुत गंदे। ये देखो पीने का पानी तो गंदा और बारिश का पानी एकदम साफ सुथरा, ये देखिए कितना फर्क है, ये वाला बारिश का है और ये पीने वाला है। तू निकलना, निकल, अटक गया, नहीं अटका, ठीक है। ये बस स्नेल ही देख रहा है बड़ी देर से, इसको पता नहीं स्नेल क्यों अच्छे लग रहे हैं इतने, बेकार सा। हाँ मैं जोकर तो नहीं लग रही धाटू, मैंने बहुत कम पहनती हूँ धाटू। हमारे यहाँ क्या होता है ना, शादियाँ फंक्शन होते हैं या किसी के घर आना जाना होता है तो धाटू तो ऐसा है कि देंगे ही देंगे नेक में, मतलब जो आते जाते जैसे किसी के घर आए हैं तो धाटू तो मिलते हैं। तो मेरे पास इतने सारे धाटू इकट्ठे हो रखे हैं, मैं बहुत कम पहनती हूँ, बट आज भाभी जी ने मुझे बोला कि अच्छी लग रही है तो मेरा मन नहीं कर रहा है इसको खोलने का। ये देखो कितनी प्यारा लग रहा है, धाटू धाटू बड़ी है, इतना घटिया बच्चा ना मैंने संसार में नहीं देखा जितना मेरा पैदा हो रखा है। ये क्या स्नेल पिचकाने की एक्टिंग कर रहा, तू कहाँ पिचकाया, पत्ती। चलो भैया तो हैं रोड पे, भाभी जी अभी आ रहे हैं, हम दोनों निकलते हैं, आते आते हमें रात हो जाएगी, तो चलिए आपको भी ले चलते हैं अपने ताऊ जी के घर, मिलवाते हैं आपको सबसे। पर मैं ना सबके सामने वीडियो नहीं बना पाती, मैं बहुत ही शर्म, कुछ भी हो जाए थोड़ा बहुत तो दिखाई दूंगी आपको, मैं ऐसे व्लॉग नहीं कर पाती, मतलब वीडियो तो बना सकती हूँ व्लॉग नहीं कर पाती, थोड़ा सा शाय नेचर की हैं हम। तो मस्त हम रोड में पहुँच गए हैं और भैया का वेट कर रहे हैं, भाभी जी का भी वेट कर रहे हैं, भैया तो ऊपर हैं जहाँ पे हमारा घर है छोटा सा आउट हाउस, वहाँ पे हैं, वहीं से फिर हम गाड़ी में बैठ के जाएंगे। और ना हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है और ऊपर की तरफ वेदर देखो आपको, ये देखो कैसी जो धुंध है ना,
उड़ते उड़ते नीचे की तरफ आ रही है, और एक तरफ है जंगल और उसके ऊपर फॉग। क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। एक हिसाब से हिल स्टेशन ही है सुनहर भी, हाइट में है बहुत ज़्यादा हाइट, जंगल से थोड़ा सा नीचे है। तो देखते हैं भैया अभी आगे 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 भैया आगे। रोको रोको रोको, लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। गाड़ी को क्या हुआ? आवाज़ कर रही है, आ जाए ना। भाभी नहीं आए अभी, मैं नीचे रुकेंगे उनके लिए। आ जाओ, वो देखो किससे बात करने के लिए गए। कम कम कम। ये देखिए खूबसूरत व्यू बारिश के बाद का। वो गई हमारी गाड़ी, गाड़ी हमें यहाँ लगानी पड़ेगी ताऊ जी के घर के लिए। यहाँ से थोड़ा थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। मौसम देखो कितना मस्त हो रखा है इस वक्त। अभी बर्ड्स की साउंड आ रही है, वरना सुबह तक तो सिर्फ और सिर्फ सुबह से लेकर अभी तक बारिश की ही आवाज़ आ रही थी। ये लगा दी गाड़ी, यहाँ से जाएंगे हम पैदल। वो रहा, ये देखिए ये है हमारे ताया जी का घर। वो देखो जी, वो देखो जी, मैं परली साइड देख रही, मैं कोई नहीं सको देसी। बड़ पापा ने मुंह से नहीं हाल आले उठी हो बड़े कौन नहीं पहचाना कौन है तेल खिला दे लाड़ी बेबी कौन कौन नहीं पहचाना। हर्षित हर्षित कौन भैया? हर्षित बात कर रही है, बना रही है। ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। क्या बढ़िया। हाँ, लॉन्ग टाइम के बाद। लॉन्ग टाइम के बाद कैसे हैं आप? कितने आप सुबह बोल रहे हैं, आप तो सबसे बढ़िया। आप ठीक रहते हैं? मैं आपके नहीं, मैं आपके कभी नहीं आती। मैं अब बार को मेरे आचार का पता लग जाता है। ठीक है ठीक है, भाई आप सुनाओ। इधर तो डिनर का टाइम हो रहा है, अब हम सब खाएंगे खाना। खाने पीने वाले यहीं बैठेंगे, खाने वाले पीने वाले थोड़ी बैठेंगे आज। पीने वाले है ना यहाँ भाई जी। ये निकाल दो उसमें से। ये मलका की दाल है, ये चने हैं। मैं चने खाऊंगा। तो चने ले ले। नहीं लो, चपाती, चने, सेमिया, मलका की दाल, प्याज, मजे से खाओ। हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो 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 हेलो हेलो कर रही हूं। वीडियो बना रहे हैं, वीडियो ब्लॉग बना रहे, ब्लॉग भाग्य। मजा आ गया भाई, भरपेट खाया हमने खाना, हमने खाना खा लिया। बोलो बोलो। हमने खाना खा लिया, हमने खाना खा लिया नहीं, हमने खाना खा लिया, हमने खाना खा लिया। सेल किसमें डलता है? मरोट में। मरोट नहीं, रिमोट। मरोट नहीं बोलते, रिमोट बोलते। रिमोट कौन बोलते? मरोट बोलते। मरोट नहीं बोलते, गंदी बात। तो मस्त खाना वाना खा लिया और अंधेरा उसी का बैठेंगे थोड़ी देर, पूरी फैमिली के साथ गप्पे लगाएंगे और फिर जाएंगे वापिस गाँव वाले घर। तो खाना वाना खाया और बहुत देर तक हम बैठे रहे, क्योंकि बाहर हो रही थी बहुत तेज बारिश, अंधेरा हो चुका था। आए तो थे हम थोड़ी देर के लिए कि हम ताऊ जी से, ताई जी से और भैया भाभी से मिलकर जाएंगे वापस, लेकिन इन्होंने हमें खाना खाने बगैर जाने नहीं दिया और हमें नाइट स्टे यहीं पे करना पड़ा। और आप देख सकते हैं ये छोटे से बच्चे का डांस, और पूरी फैमिली हमारी साथ में बैठी और बहुत देर तक हम बैठे और इन्जॉय किया हमने।
ये मेरे ताया जी का जो है पोते का बेटा है, मतलब परपोता है उनका, मेरे भतीजे का बेटा है, छोटा सा है, हमारी फैमिली का सबसे छोटा बच्चा है ये। तो इसको डांस करने का बहुत शौक है, तो पहाड़ी गाने लगा के हम कर रहे थे डांस। तो आज के इस खूबसूरत से डांस के साथ, इस बच्चे की खूबसूरत सी मुस्कान के साथ आज की इस वीडियो का कर देते हैं एंड। आपको मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। Let's go.